तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूँ शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है स्पोर्टेबली पैसल है। जैसे कि आपको सबको मालूम ही है, जो कि मेरा भाई यहाँ पे नया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं तरह तरह की बातें करता रहता हूँ, क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ आपके बारे में। आईपीएल के अपडेट्स रहेंगे, आईपीएल जो कब होने वाले, क्या होने वाले, क्रिकेट का फ्यूचर क्या रहेगा, या फिर मैं मतलब ये बोलूँ कि क्रिकेट रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि कौन सी क्रिकेट एकेडमी अच्छी है इन पुणे, जो टॉप बेस्ट टू एकेडमीज कौन सी है, या फिर बहुत सारी क्रिकेट रिलेटेड बातें करते रहता हूँ। तो वीडियो आखिर तक देते रहना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आईपीएल के बारे में बात कर रहा था तो वो काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है सब फैंस के लिए क्रिकेट के। और क्रिकेट जो मतलब जो सब बोलते रहते कि क्रिकेट के फ्यूचर क्या है, आगे कैसे खेला जाएगा, कब खेला जाएगा, कोई आइडिया नहीं है, तो इसका भी जो डाउट है आपका जो मैं क्लियर करूँगा आगे। तो बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मतलब आपको सबको जैसे कि मालूम है कि कोरोना बहुत फैल चुका है अभी, जो एट प्रेजेंट बहुत से मतलब बहुत सारे केसेस है उसमें कुछ तो हो रहा कि कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर बात की जाए कि क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब क्रिकेट क्या होगा आगे, कैसा होगा, या फिर होगा या फिर कब होगा, ये सबको हम जानना चाहते हैं लोग कि आईपीएल होगा या नहीं होगा। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले अपडेट में बताया कि जब मैंने शेयर कराया था तो उसमें मैं जैसे कि मैंने बताया था कि फिर 50% चांसेस है कि मई से चालू होगा आईपीएल। पर बात की जाए दोस्तों कि यहाँ पे बात एक देखने वाली है कि 3 मई से अभी लॉकडाउन जो एक्सटेंड हो चुका है 17 मई तक। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि अभी तो कुछ होगा नहीं आईपीएल। तो एक महीना जब सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो कि मेरे एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आईपीएल जो है सितंबर अक्टूबर में होगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन एक सामने आई है, यही सारी चर्चा चल रही थी कि मतलब अभी 15 मई भी नहीं हो सकता तो फिर आप इस साल आईपीएल होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई ने भी शेयर की थी उस जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें कि 15 मई या फिर मिड ऑफ द मे से आईपीएल चालू हो सकता है। फिर अभी एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन, तो उस लॉकडाउन एक्सटेंड होने के कारण अभी मई में तो नहीं होगा। या फिर अभी आईपीएल क्या हो रहा है दोस्तों कि मतलब जैसे कि कोई बीसीसीआई डिसीजन ले रही है तो एक्सटेंड हो रहा है लॉकडाउन, तो क्या सोचेंगे अभी बीसीसीआई डायरेक्टली सोचेंगे कि अभी जून जुलाई तो होगा ही नहीं, आप पकड़ के चलो कि जून जुलाई से बिल्कुल आप अपने मन से आप निकाल दो कि जून जुलाई में होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर इज द बेस्ट फॉर आईपीएल, इज द बेस्ट मंथ फॉर आईपीएल, क्योंकि अभी तो जो है ना वर्ल्ड कप तो पूरा एक्सटेंड होने वाला है। मतलब वर्ल्ड कप शायद मुझे तो लगता है कि अगले साल खेला जाएगा जनवरी या फरवरी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि क्या हो गया है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की कोई प्री अरेंज जो मैचेस थी वो भी अभी पोस्टपोन हो गए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी एक डिसीजन लिया है दोस्तों कि जुलाई से वो मैच स्टार्ट करेंगे जैसे कि पहले होते थे क्रिकेट के। तो ये सारी अच्छे अच्छे खबरें आ रही, सेम ऑस्ट्रेलिया ने भी सोच के रखा है कि जो जुलाई जून या फिर जुलाई से या फिर सितंबर तक वो मैचेस खेलेंगे, वो मैचेस कंडक्ट करेंगे, सीरीज खेलेंगे वो आगे। तो ये काफ़ी तगड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया में अगर मानो कि वापसी पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे, जो कि सबको मालूम है कि मतलब नहीं होता पॉसिबल अगर इंडिया में, तो ये 2-3 ऑप्शन हमारे पास अभी खुल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूँ, एक तो आपको मालूम है कि इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर तीसरा मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन जो कि है दुबई। दुबई में काफ़ी अच्छे स्टेडियम से, तो ये 3 ऑप्शन है। और अगर विद इन इंडिया अगर खेलना हो क्रिकेट तो फिर हम बात करें कि कौन से स्टेट्स या फिर कौन से राज्यों में ये मैचेस कंडक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी जो कि आईपीएल अपडेट के बारे में बताया था तो उसमें भी बताया था मैंने कि जो पूरे 2-3 स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो उसी स्टेट के अंदर मैचेस पूरे कंडक्ट किए जाएंगे दोस्तों। तो एट प्रेजेंट अगर बात की जाए कि कौन से स्टेट में या फिर कौन से राज्यों में सबसे कम कोरोना वायरस केसेस है, तो सबसे बात की जाए तो पहले आप अपने पास है आसाम का एक ऑप्शन, या फिर है बिहार, या फिर रांची आप बोल सकते हो चेन्नई में, थोड़ा सा ज़्यादा है पर ठीक है वो चल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि छत्तीसगढ़ या फिर ऐसे थोड़े से स्टेडियम से वहाँ पे मतलब खेल सकते मैचेस। तो यहाँ पे बात यही है दोस्तों कि मतलब बीसीसीआई ने भी कंफर्म किया है कि आईपीएल तो खेला जाएगा इस साल, तो कब खेलेंगे या फिर मतलब पता नहीं कि कब एक्चुअली पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब यूके में बहुत से केसेस थे आपको सजेस्ट के सबको मालूम है, फिर भी उन्होंने ऐसे इंग्लैंड में मैचेस कंडक्ट करने की अगर डिसीजन लिया है। तो अगर मुझे मेरे ख्याल से इंडिया में काफ़ी कम कोरोना वायरस केसेस है, हालांकि मतलब थोड़ा सा जो नंबर है वो बढ़ते ही जा रहा है, फिर भी एक कंपैरिजन किया जाए उन स्टेट्स के बीच और हमारे स्टेटों के बीच, तो फिर मेरे हिसाब से इंडिया में ही होगा है, क्योंकि इंडिया में सितंबर अक्टूबर तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंडीशन स्टेबल होगा। तो यही थी मेरी अपडेट दोस्तों कि मतलब सबसे पहले तो बीसीसीआई ने कन्फर्म किया है कि आईपीएल होगा और जो होगा वो जून जुलाई में भी नहीं होगा।
यहाँ पे हो सकता है आईपीएल और होगा सितंबर अक्टूबर में। और दूसरी बड़ी चीज़ सामने आई है कि क्रिकेट का फ्यूचर बिल्कुल भी सेफ है, जो कि इंग्लैंड की अगर बात की जाए, इंग्लैंड भी अगर मैचेस खेल सकते हैं तो फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अगर मैचेस खेल सकते हैं तो फिर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ प्लान किए जाएंगे यहाँ पे भी दोस्तों। तो वीडियो आप देखते रहेंगे, शुक्रिया दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो फिर यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, यहाँ पे काफ़ी सारे मैं अपडेट देता रहता हूँ क्रिकेट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने लाता रहूँ और आईपीएल के अपडेट्स आपके सामने पेश करता रहूँ दोस्तों, और भी अपडेट्स जो क्रिकेट रिलेटेड है आपके सामने पेश करता रहूँ इसके लिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब मैं ऐसे न्यू वीडियो जब डालता रहूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी यहाँ पे मैंने अपलोड किया है वीडियो इसके लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो आगे तक देखते रहेंगे कि क्या होगा आई पी एल में, क्या मतलब होता है एग्जैक्ट क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं है, बीसीसीआई को मालूम है या फिर भगवान को मालूम है क्या होगा। भाई जो न्यूज़ आए उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से विद इन इंडिया ही खेला जाएगा आई पी एल, या और प्रोबेबिलिटी जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगा।